तन्या का गिफ्ट मैं जब हमने लिया मैं तभी देखा था ये मेरे को आएगा नहीं इतना बड़ा लाया हम जब हमने लिया छोटा था ही नहीं मैडम इसमें होते हैं छोटे होते लड़की वाले होते गाने वाले Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope so you all are doing absolutely good. तो अभी सुबह सुबह हम स्टूडियो में आ गए हैं, ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही है और नेहा बेचारी हो गई बीमार, इसको हो गया कोल्ड और यहाँ पे मैं ये खाना भी नहीं खा गया घर से, तो मैं इसके लिए खाना भी लिया और फ्रूट्स पड़े थे घर पे, तो ये भी लिया। चल खाना खा ले। नहीं। क्यों नहीं, नेहा का गिफ्ट मैं जब हमने लिया मैं तभी देखा था ये मेरे को आएगा नहीं छोटा था ही नहीं मैडम इसमें लड़कियों वाले शुरू से भी ले रही थी वहाँ पे उसको भी नहीं आ रहा उसने फिर रेड वाला लिया था तो इसको यहाँ पे धागा तो आप भी रेड वाला लेके आ सकते हैं माता का है ही येलो वाला था माता का रेड फैशन के लिए थोड़ी पहनने तो यहाँ पे धागा भी बांध सकता है बंदा ऐसे करके बस हो गया टाइट चल रोटी है इट्स ओके 20 रुपये दे थैंक यू ना क्या ये पराठे सिंपल इसका खाने दो ना लेके आते भाई शिवम बिठानी है एक एक चीज़ का पता तो उसको कि क्या कैसे देना बंदे को अचार भी लेके आऊँ ठीक है और गए स्टूडियो तो हम आ गए लेकिन स्टूडियो में लाइट ही नहीं है भाई साहब आंटी कह रहे हैं कि सुबह की गई है 6-7 बजे की तो अब पता नहीं कि आएगी या नहीं आएगी तो अभी ये भी काम भी गया ऊपर से यार क्या फ़ायदा आने का चल चल खा खा तो मैं यहाँ पे काटता हूँ फ्रूट्स उतनी देर जब तक ये खाना खाती है तो गाइस फ्रूट्स भी यहाँ पे काट लें माथा मत रखना ये खाना शुरू कर अब चल चल अचार डाल दिया पीस मुँह में वो पता नहीं कैसे खा लेते हो तुम्हें ना अचार जरूर होते कुछ 10-12 पीस खिला दो पर ये ढंग की चीज़ें नहीं खाई जानी तो गए शाम हो गई है ये नहीं डाल बीच में देनी है हाँ तो गए शाम हो चुकी है और अभी हम घर जा रहे हैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं करा पहले तो लाइट नहीं थी और उसके बाद फिर काम कुम करा अभी फ्री हुए हैं और 4 बज गए भाई साहब यहीं लेट हो गया मेरे को एक दो काम और थे वो भी पता नहीं टाइम लगेगा नहीं लगेगा और दूसरी बात ये कि मम्मा वगैरह भी आ रहे हैं उन्होंने बुआ जी ने कुछ लेना था यहाँ शॉपिंग करनी थी नटपुर में बोडा में तो वहाँ पे उन्होंने जाना है तो वो कहना है कि हमारे पास आ मैंने जाना है क्लाइंट के पास निया की फ्रेंड के पास था हम दोनों का प्लान था कि निया की फ्रेंड के घर जाना है वो खुद कह रही थी कि आप दोनों आना उसको फोटोज वगैरह चेक करवानी थी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अकेला जाऊँ अगर ये गई तो लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आते वक्त मैं तो चल चल जाऊँगा ये कैसे जाएगी तो फिलहाल देखते हैं यार पहले इसको ड्रॉप करता हूँ फिर मैं जा रहा हूँ ठीक है तो गाइस मैं नूरपुर से भी निकल गया हूँ अभी जा रहा हूँ यहाँ से नूरपुर से वो कह रही है कि 4-5 किलोमीटर दूर है उसका घर तो देखते हैं और भाई साहब बाइक ने फिर से दिक्कत दे दी यार बाइक फिर से मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी पहले होगी थी जब स्टूडियो से निकले उसके बाद आगे जाके बंद होगी भाई साहब स्टार्ट ना हो किक मार मार के हालत खराब होगी फिर मैंने गियर पे स्टार्ट करी पहले हुई नहीं थोड़ी देर बाद होगी और फिर मिस करके चल रही है पता नहीं कौन सा नया पंगा पड़ने वाला है बाइक पे ये भी एक यार वही है स्यापा ही है ये भी एक तो फिलहाल जा रहा हूँ मैं और मम्मी वगैरह भी पहुंच गया वो फोन कर रहे हैं पहले हमारे पास आ तो फटाफट ये वाला काम निपेट आता हूँ तो गैस भैया आ गए थे मुझे रिसीव करने के लिए प्रिया के हस्बैंड तो इनके साथ ही चला जाऊंगा मैं भी इनके पीछे पीछे तो आई थिंक ये है घर इनका भैया ने घुसा दिया अंदर मैं बाहर ही लगाता हूँ पर यहाँ पर तो गैस फोटोज चेक करवा के मैं निकल गया हूँ और भाई ये एरिया बड़ा मस्त है ना यहाँ पे प्रिया का घर है मस्त एरिया ये वाला तो फोटोज चेक करवा दी फटाफट टाइम 5 बज गए मम्मी उनके फ़ोन आ गए मेरे को 3-4 तो मैं फटाफट गया उनके और फटाफट उनके पास ही जाऊँगा और फिर घर जाके बहुत ज़्यादा काम है यार मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा ना कुछ दिनों से फिलहाल निकलते हैं यार और आज व्लॉग भी नहीं हो पाया कुछ सारा दिन वैसे आप सभी को पता निकल जाता है टाइम तो बच्चा चला रहा स्कूटी तो गैस मम्मी और बुआ जी वगैरह भी यहीं पर हैं शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए गैस तो गाइस यहाँ पे बार्गेनिंग होगी स्टार्ट आंटी और अंकल के नहीं सच्ची बोल रहा हूँ तो गाइस अभी टाइम 6 बज रहे हैं शाम के और लेडीज के साथ आना तो भाई साहब शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको पता दिमाग खराब होता है एक तो भूख इतनी ज्यादा लगी ऊपर से कभी यहाँ दौड़ा रही है कभी इस दुकान पे कभी इस दुकान पे भाई फिलहाल घर पे जा रहे हैं एक बाइक है हमारे पास इस पे तीनों को लेके जाऊंगा क्योंकि बस का टाइम कोई नहीं है तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं आप तो गाइस बाइक भी लगा दी है यहाँ पे ठीक करवाने के लिए थोड़ी सी मिस कर रही है ना बड़े मुश्किल के साथ पहुंचे यहाँ पे अब यहाँ पे दिखा लेता हूँ एक मिनट की क्या है इसका सोल्यूशन बूजी और मम्मी देखना भाई वहाँ बैठ जाओ कुर्सी पे तो गाइस घर पे पहुँच गए और टाइम 7 बज रहे हैं बाइक का स्पार्क प्लग खराब था तो वो चेंज करवाया
और पापा और भैया जी यहाँ पे अपना बना रहे हैं, पापा और यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे सब्जी, और हम मार्केट से भी सब्जी ले आए, ये भी तरड़ियाँ बना रहे हैं, हम भी तरड़ी लेके आए मार्केट से, हम बनी बनाई लेके आए। ओ भाई लग रहा है, ठीक हुआ तो गाइस यहाँ पे ये बना रहे हैं तरड़ी की सब्जी, और हम रेडीमेड भी भाई साहब तरड़ी की सब्जी ही लेके आए 1 किलो, ये भी वही कर रहे हैं। तो गाइस 7:15 हो रहे हैं अभी, और मैं करने लगा हूँ यहाँ पे एडिटिंग, लेट हो गया आज मैं वीडियोस डालने के लिए, अभी एडिट करूंगा फिर डालूंगा भाई साहब 8 बजेंगे। तो गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं, और अभी स्कूल ग्राउंड में आया हूँ मैं वीडियोज अपलोड करने के लिए, और नेटवर्क घर पे भी चल रहा है स्कूल पे भी चल रहा है, अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुई, 9 बज गए हैं, घर वाले पीछे पड़े खाना खा पर, महंगा पहले काम कर लेता हूँ, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही है भाई, देख लो इतनी बुरी हाल है नेट की, मेरे को समझ ही नहीं आता है कि होता क्या है, कभी कभी भाई बड़ा परेशान करके रखा है। सेम है 9 बज गए हैं, वीडियो हो ही नहीं रही, तो अभी फिर 9 MB अपलोड हुई है, 9 हुई है तब से, 9 हुई है, कभी कहाँ जाके 800 होगी 2-3 घंटे बाद। ये देखो 10 MB अपलोड है ना, फ्लाइट मोड भी ऑन करके देख रहा हूँ मैं, तब भी नहीं हो रही, देखना तब भी 10 ही रहेगी, ये देखो 10 ही है, 9 होगी 10, बस 10 ही रह रही है ये, और यहाँ टाइम बता रहा है, यहाँ पे टाइम भी नहीं बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा, अभी भी 10 ही है। तो गाइस अभी मैं अपना डिनर करने लगा हूँ यहाँ पे, ये सब्जी है तरड़ी की जो लेके आया मार्केट से, साथ में रोटी, तो ये खाते हैं, और वीडियो फिर से अपलोड नहीं हुई, टाइम देखना 10 बज गए अभी तक हुई नहीं, 10% और 10 MB 10 ही रही है। तो गाइस अभी पी रहा हूँ मैं यहाँ पे दूध, सारे यहाँ पे बैठे हैं अपना अपना फोन चला रहे हैं, मम्मी भी बुआ जी भी, बस गेम ही खेलते रहते, कैंडी क्रश 24 घंटे बुझी हुए, काम ही नहीं हुए, 7 बजे से आए घर पे तब से लगे हुए हो, लेवल पार भी नहीं होएगा ये क्या है। कह रहे 1 बजे होता रात को, 2 बजे 1 बजे होता है, अब 1 बजे तक इन्होंने गेम खेलते रहने, जब तक लेवल पार नहीं होता तब तक खेलते रहनी, 4 बजे सवेरे तब भी 1 बजे तक लास्ट टाइम पूछिएगा। तो गए अभी रात के 10:30 हो रहे हैं, और मैं अभी सोने लगा हूँ, एडिटिंग तो सुबह ही करता हूँ, और बाकी तेरी आवाज सुनी और मैं अंदर को आ गई, कह रहे तेरी आवाज सुनी और मैं अंदर आ गई, तो पानी दे के जा रही सोने, चलो जाओ फिर, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइज बाकी यही था आज के व्लॉग में, पर मेरा आज ना बाइक से थोड़ा सा मन उठ गया यार, पता नहीं पहले मैं सोच रहा था कि चल छोटी छोटी खराबियाँ हैं ठीक होती हैं कोई दिक्कत नहीं, बट आज ना सीरियसली बाइक ने बड़ा ज़्यादा मूड ऑफ कर दिया मेरा, तो मन सा उठ गया, मेरा मन नहीं निकल रहा कि बाइक, मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम अगर ख़राब हुई ना थोड़ी ज़्यादा तो फिर उसके बाद मैं चलाऊँगा नहीं, फिर बस में गई अच्छे यार ऐसे बाइक से रोज़ रोज़ पंगे। तो बाकी यही था आज के व्लॉग में गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।